पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हफ्ते को 4 साल खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके लाहौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर एक जलसे से खिताब किया। साबिक वजीर आजम ने जलसे के दौरान तकरीर में पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने, इंतकाम की सियासत खत्म करने, हमसाया ममालक से ताल्लुकात बेहतर करने और पाकिस्तान को दरपेश दीगर मसाइल पर बात की। पूरा दिन नवाज शरीफ की वापसी और खिताब सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बना रहा और लोग उस पर अपनी जाती पसंद और नापसंद के मुताबिक तबसरे देते रहे। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में अपने मुखालिफ इमरान खान का नाम सिर्फ एक बार लिया और साथ ही ये भी कह दिया कि वो इनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो बगैर नाम लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके रहनुमा पर तनकीद करते रहे। नून लीग के सरबराह ने अपने खिताब में इमरान खान का नाम लिए बगैर माजी में इनके हाथ में नजर आने वाली तस्वीर पर भी तनकीद की और अपने जलसे में मौजूद खवातीन की तारीफ करते हुए पीटीआई की खवातीन वर्कर्स पर भी नाम लिए बगैर तनकीद कर गए। उन्होंने कहा कि तस्वीर मेरे पास भी है, कोशिश करता हूँ दूसरों के सामने न पड़ी जाए, तस्बीह इस वक्त करता हूँ जब कोई ना देख रहा हो। इसी तकरीर के दौरान इनका कहना था कि देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कोई ढोल की थाप पर यहाँ नाच गाना नहीं हो रहा। शहजाद गयाथ शेख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नवाज शरीफ अपने सियासी मुखालिफीन की हतक ना करके अखलाकी सबकत लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जलसे में ढोल की थाप पर खवातीन के रक्स ना करने पर औरत बेजार जुमला कह गए। बैरिस्टर आयशा मुनीर ने साबिक वजीर आजम पर तनकीद करते हुए लिखा कि खवातीन की इज्जत की जानी चाहिए, चाहे वो आपकी जमात से हों या किसी मुखालिफ जमात की। उन्होंने दावा किया कि नवाज शरीफ हमेशा खवातीन पर हमला आवर रहे हैं, चाहे बेनजीर हों या कोई और। सहाफी और एंकर पर्सन अजमल जामी ने एक ट्वीट में लिखा कि तहरीक इंसाफ की खवातीन के बारे में नामुनासिब रिमार्क्स और तस्बीह के मामले पर बेजा तबसरा नवाज शरीफ की तकरीर के मनफी पहलुओं में शामिल है। नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ पर होने वाली तनकीद के हवाले से ताहाल कोई वजाहती बयान जारी नहीं किया गया।